आज रे वीडियो रे मैंने मैं आपने बचोड़ी रोटी हूँ एक नयो नाश्ता बनावनी बतौला जी को आपरे पूरे परिवार ने बहुत ही अच्छा लगेला। तो राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबका स्वागत है सा। इन वास्ते मैं चार रोटियां ली भी हूँ। ये चार रोटियां हमारे सुबह री बचोड़ी रोटियां हैं। तो आपरे घर में ना चार रोटी या तीन रोटी जितनी बची हुए उन हिसाब आप लेने और नाश्ता बना सको। अब इन रोटी ने पकाई है तोड़ लेवा, तोड़ने टुकड़ा कर लेवा। कोई आपरे नापरे टुकड़ा करने जरूरत नहीं है, छोटा बड़ा केड़ा भी टुकड़ा कर लीजिए आप। यू तो बचोड़ी रोटी आप बहुत चीज़ें बनाने खाई वाला करे, आप पुआ भी बनाया वाला, बचोड़ी रोटी का सिरो ही बनाने खाया वाला। मैं हमारे चैनल माते भी आपने बचोड़ी रोटी सिरो बनावनी बताया हूँ, पर आज मैं आपने नया तरह नाश्ता बनावनी बताऊँगा जो को आप पहले कदे ही नहीं बनाया बोला। इन तरह अपा सब रोटियाँ रहे रफली टुकड़ा कर दिया आप। अब इन्हें आप मिक्सी जा रहे माइंड ट्रांसफर कर लेवा, आधा आधा करना पीस ले जो कि अच्छी तरह पीसी जी। अब इन्हें खोलने देख ला पा, इन तरह अपने रोटी पीसी ना तैयार हो गई है। जो ब्रेड क्रम्स बनाओ क्या इन तरह क्रम्स हो जाया करें इन्हें। अब इन्हें अपा पहले मैं निकाल लेंगे लारे बचोड़ी रोटी है जिकने भी आप पीस ले। इन तरह ऊपर पूरी रोटी ने पीसने तैयार कर लिया, तो इन्हें क्रम्स तैयार हो गया। अब मैं तीन आलू लिया हूँ, यह उबले हुए आलू है, आलू ने अच्छी तरह छील भी लिया हूँ। इन आलू ने आप कद्दूकस करने डालना, आप चाहे तो आलू ने हाथों मैश करने भी डाल सको, कद्दूकस करने डालने सको, इनमें भी घाटा वगैरह नहीं रह वाला। हाथों आप मैश करो तो भी ध्यान रख दिन माने कोई तरह घाटा नहीं रहनी चाहिए। आलू डालने से कही है पर नाश्ते में मैंने बाइंडिंग अच्छी आवेला और सॉफ्टनेस भी अच्छी आवेला। इन तरह हो पा तीन आलू ने कद्दूकस कर लिया, देख अच्छा स्मूथ हो गया है आलू में, कोई तरह घाटा वगैरह नहीं रहे। अब इन मैंने आप कुछ सब्जियाँ डाल दे, सब्जी आपने घर में भी जिकी वे जिकी डाल दीजो। तो मैं पत्ता गोभी ली हुई हूँ जिकी इतना मई काट ली हूँ, बहुत महीन काट डालनी पत्ता गोभी। तो लगभग आधा कप है जितनी पत्ता गोभी मैं इनमें डाल दी हूँ, आधा छोटा चम्मच वह जितनी काली मिर्ची ली हुई, और काली मिर्ची का पाउडर है और मैं डाल दी हूँ। दो मैं हरी मिर्ची ली हूँ जिन्हें मैं मैं काट ली हूँ, यह भी मैं डाल दी हूँ। ठीक है, आपने पसंद रहे हिसाब आप पत्ता कम भी कर सको। एक टेबल स्पून वह जितना मैं अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हूँ और भी मैं डाल दी हूँ। अब लहसुन नहीं खाता हुआ तो आप लहसुन मत डाल दो। पाव कप है जितना मैं काचा धाना लिया हूँ मैं, यह भी मैं डाल दी हूँ। एक छोटा चम्मच वह जितना इनमें अपन नमक डाल दी हूँ। तो नमक आपने स्वाद अनुसार आप कम बतो डाल सको, सब ने अपन मिक्स कर लिया। आप आलू नहीं खावता हुआ तो इन जगह में तो आप चाहे तो केला ने कद्दूकस करने डाल सको, आलू के कारण इनमें बाइंडिंग अच्छी आ जाए वाला। नहीं लहसुन नहीं खावता हुआ तो आप लहसुन मत डाल दो, काली अदरक ने कद्दूकस करने डाल दीजो या पीस ने डाल दीजो। आप रखने काली मिर्ची पाउडर नहीं हुआ तो आप लाल मिर्ची भी डाल दीजिए बोले, अब भी चल जाएगी हल्की सी तीखा सी चाहिए अच्छी लगे। इन तरह सब ने अपन मिक्स कर लिया। आप चाहो तो और भी सब्जियाँ गाजर भी डाल सको, इनमें कांदा भी डाल सको, जिकी सब्जी आपने पसंद हुआ आप डाल दीजिए। अब थोड़ा सा अपन इनमें कॉर्नफ्लोर डाल दे, तो कॉर्नफ्लोर के कारण बाइंडिंग अच्छी आ वाला इनमें। तो मैं एक टेबल स्पून वजह तो कॉर्नफ्लोर लियो पहले और ही डाल दूँ, तो भेड़ जरूरत हो तो भेड़ डालना। कॉर्नफ्लोर आप रखकर नहीं हुआ तो अरारोट डाल दीजिए आप, अरारोट नहीं हुआ थोड़ा सा मैदा भी डाल दीजिए, उन्हें भी बाइंडिंग हो जाएगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं डालना, पर हल्की सी बाइंडिंग लिए नहीं इनमें। मैंने थोड़ा सा सूखो लाग रही है इस वास्ते मैं इनमें एक टेबल स्पून वजह तो दही डाल दूँ, दही के कारण टेस्ट भी अच्छा वाला तो थोड़ा सूखोपन भी इन खत्म हो जाए वाला। रोटी वगैरह मॉइस्चर सोख लिया करें अपन इन वास्ते थोड़ा सा डाल दूँ अभी, दही की खटाई भी अच्छी लगे ला इनमें। आप चाहो तो इन जगह मत नींबू रस भी डाल सको, नींबू रस की खटाई भी अच्छी लगे ला। बस जिन तरह ऊपर आटो उसने तैयार करा के उन तरह थोड़ा स्मूथ बनना तैयार हो जाऊँ सही से। तो देखो आटो एक भेजो एकदम स्मूथ हो गया। अब इन कई कर आप छोटी छोटी गोलियाँ बना दे, इन तो छोटी छोटी गोलियाँ ले हाथ में मैंने गोल कर ले, इजीली हो जाएगा। देखो बाइंडिंग बराबर आई वास्ते जो स्मूथ गोली बन गई एकदम, ज़्यादा बड़ी बड़ी गोलियाँ नहीं बनावनी, छोटी छोटी बनाना। देखो हाथ में मैंने इंतरो कर लो आप गोल बन जाए वाला, पचे इन इंतरो सेप दे दो, इजीली सेप हो जाए वाला। इन इंतरो अपा सब बॉल्स बनाने तैयार कर ली हाँ, तो हमारे रेस्टर मैं लगभग है 40 बॉल बनने तैयार हुई है। तो आप थोड़ी छोटी साइज कर लो तो इन पत्ती भी बन सके, बड़ी साइज होगी थोड़ी कम भी बन सके। मैं उन साइज बनाना तैयार करी हूँ जी आप आसानी एक एक खा सको, ज़्यादा बड़ी साइज में नहीं बनाऊंगी। अब साइड में अपना तेल भी गर्म हो गया है, तेल गर्म होया पचा इन मैंने अपना डालना देख लूँगा। मैं इन्हें सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सको। गर्म होया रे बाद में मैं डाल देना पचा अपना आँच ने थोड़ी मीडियम कर ले, मीडियम आँच रे मैंने अच्छी फ्राई हो जाए। इन तरह अपना कही है कढ़ाई नहीं थोड़ा सा हिला देना, एक जगह पड़ी नहीं रह रहा है। अब बार थोड़ी सॉफ्ट होया करे इस वास्ते अपना ज़्यादा नहीं चलाऊना। इन तरह आप करो लाते घूम जा रहे मैंने हल्के हल्के घुमा दे डालिया पचा, देखो हल्का हल्का फूलना शुरू हो जाया करें। तो काफ़ी देखो बड़ी होगी, देखो
डाली जरा इन तेरे छोटी छोटी है देखो, काफ़ी फूल गई है इन। आप लाइट गोल्डन कलर आवे इतनी फ्राई कर लें। अब बहुत सारा लाइट गोल्डन कलर आई गया है इतना ही अपना फ्राई करना है। देखो कलर बहुत ही अच्छा आई गया, देखो इन तरह फ्राई करना है अपना निकाल लेना। अब इन्हें इस तरह बचोड़ी है जी की भी फ्राई कर लें। अच्छा मैं आपने याद दिला दूँ कि आपने हमारी रेसिपी कड़ी लाग रही है, नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखने मना जरूर बताइए। आपने अच्छी लागती हुई है तो आप लाइक कर जो, अच्छी नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर दो। आप हमारे चैनल ने आज तक सब्सक्राइब नहीं करिया वो तो आप सब्सक्राइब करने बेल आइकॉन ने दबा दीजिए। उन्हें बाद रहे मैंने जो ऑल ऑप्शन आवे उन्हें भी दबाना जरूरी है। जिनको जरा भी मारो नया वीडियो आवेला तो आप रे फोन रहे मायने घंटी बाद जावेला तो आप कोई भी वीडियो मारो मिस नहीं करोला। इन तरह अपा सब फ्राई करना तैयार कर लिया हाँ, तो आप देख रहे हो इन्हें बाहर अच्छी क्रिस्पी लेयर आएगी है, बहुत ही अच्छी बनना तैयार हुई है। और नाश्ता खाऊंडा मायने बहुत ही स्वादिष्ट लग गया करें। अब इन्हें अपा साइड में रख दे वहाँ और एक पैन लिया, पैन में मैंने अपा 2 टेबल स्पून वजी तो तेल गाल दे। आप चाहो तो बटर भी ले सको या घी में ही बना सको। गैस ने चालू कर दे, तेल अपना गर्म हो गया है, आँच ने मध्यम कर ले। मध्यम आँच रे मैंने मैं 7-8 कलियाँ लहसुन ली हुई जिन्हें इन तरह काट ली हूँ मैं छोटी छोटी लहसुन में डाल दी। आप लहसुन नहीं खाता होता स्किप कर दीजिए। लहसुन ने अपन धीरे धीरे आँच में पका ले, या सब ने बहुत ज़्यादा नहीं पकावना है लहसुन ने, बगैर थोड़ा थोड़ा पकावना, हल्का सा कलर चेंज होना चाहिए उसका। अब मैं 1 इंच अदरक लियो जिन्हें लच्छा में काट ली हूँ लंबा लंबा लच्छा में और मैं डाल दी हूँ। इन्हीं साथ मैं 1 प्याज ली हूँ और प्याज भी मैं डाल दी हूँ। प्याज ने भी मैं लच्छा में काटी हूँ मैं। इन्हीं साथ मैं 2 हरी मिर्ची ली हूँ, इन्हें भी लंबी लंबी काटी हूँ मैं। इन तरह काटने डाला जरा कि तीखा सी भी आ जाए वाला न, जिन्हें नहीं खाना हरी मिर्ची वो अलग निकाल सके आप। प्याज ने अपना बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि सब हमारा क्रंची टेस्ट रहना चाहिए इन मायने, फिर अच्छा लग गया करें। अब मैं 1 छोटी साइज की शिमला मिर्ची ले ली हूँ, अभी मैं डाल दी हूँ। इन सब सब्जियाँ ने अपना हल्का हल्का पकाना है, इन्हों क्रंची टेस्ट हुआ ज़्यादा अच्छा लगेगा, बस थोड़ी सी सॉफ्ट हो जानी चाहिए। अब मैं 1 टेबल स्पून वह जितना सेजवान सॉस ली हूँ वही मैं डाल दी हूँ। आप रखने सेजवान सॉस नहीं हुए, आप टमाटो सॉस हुआ तो वो भी डाल सको। टमाटो सॉस नहीं हुआ तो आप टमाटर पीस ने आके डाल दीजिए। आप सेजवान सॉस आपने घर में किकर बनाना है उन्हें रेसिपी में हमारे चैनल माता बताई ही, तो उन्हें लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगा तो वो आप देख सको ला। घर ही आप आसानी सेजवान सॉस बनाना तैयार कर सको। अब मैं 1 टेबल स्पून वही तो टमाटो केचप ली हूँ वही मैं डाल दूँगी। देखो सब सब्जियाँ देखो हल्की हल्की पक गई। इन्हीं साथ मैं 1 टी स्पून वही तो सोया सॉस ली हूँ और भी मैं डाल दूँगी। सोया सॉस डालना ऑप्शनल है, आप कहें वह तो आप डाल दीजिए, नहीं वह तो मत डाल दो। बस जितनी भी सोया सॉस वगैरह सब डाली है यार मैं थोड़ा नमक होया करें इस वास्ते अपना 1/2 छोटा चम्मच हो तो नमक डालना, ज़्यादा नमक नहीं डालना। अब इनमें अपना 1 छोटा चम्मच हो तो सिरको डाल दें। आप कहने सिरको नहीं वे इन जगह में तो आप नींबू रस डाल दीजिए, आधा नींबू रस डाल दीजिए उन्हें भी खटाई अच्छी आ जाए वाला। ये सब चीज़ें पक गई है, अब इनमें अपना बॉस डाल दें, बॉस अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सब मसाला इन बॉल्स रे माते लाग जाना चाहिए, ये खाउंड मायने बहुत ही स्वादिष्ट लगे। मारे घर रे मैं जरी भी मैं रोटी बचा करे तो इन तरह भी बनाने तैयार करया करूँ और पूरे परिवार ने बहुत अच्छा लाग गया करे। मैं खाउंड मायने बहुत ही स्वादिष्ट बनिया करे जो सब रे माते देखो बहुत अच्छी तरह मसाला लाग गया है। अब मैं थोड़ा सा हरा कांदा लिया हूँ इन माते डाल दिया हूँ इन तरह। इन्हीं साथ थोड़ा सा मैं तिल लिया हूँ, ये तिल भी डाल दूँगा जिनको ये दिखने मायने और भी अच्छा लगे। मैं सब ने अपना मिक्स कर लेंगे। इन तरह अपने बचोड़ी रोटी रस स्वादिष्ट नाश्ता बनना तैयार हो गया है। इतना नाश्ता लगभग 3-4 लोगों वास्ते सफिशियंट है। आपने घर में जरा रोटी बचे उन टाइम आप नाश्ता जरूर बनाना ट्राई कर जो, आपने पूरे परिवार ने बहुत ही अच्छा लगेगा। बेर मिला साड़ी दूजा वीडियो रमाइने जब तक राम राम साहब।